तो हे पोकेमॉन्स, वेलकम बैक। और आज हम लोग बात करेंगे ऐसे पोकेमॉनों की 5 ऐसी एबिलिटीज जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब टाइम को वेस्ट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पोकेमॉन्स नंबर 5 पर आती है पिकाचू की स्टार्टिंग एबिलिटी, जो कि आज तुमने इस एबिलिटी के बारे में तो सुना ही होगा। अगर आपने गेम्स खेले हैं तो आपको इस एबिलिटी के बारे में अच्छे तरीके से पता होगा। क्योंकि यार अगर मैं आपको इसका यूज बताऊं तो अगर कोई एनिमी पोकेमॉन अगर अटैक यूज करता है ऐसा जो कि उससे पिकाचू के पास जाना हो तो उससे यार वो पैरालाइज हो जाएगा। जो कि यार जैसे कि क्विक अटैक हो गया या फिर कोई और नॉर्मल या फिर फाइटिंग टाइप मूव्स, जिससे कि अगर उसे पिकाचू के पास जाना हो तो यार ऐसे मूव्स में जो दूसरा पोकेमॉन है वो पैरालाइज हो जाता है। और ये एबिलिटी मैंने नंबर 5 पर इस वजह से रखी है क्योंकि यार इस एबिलिटी को हमें पोकेमॉन के एनिमी में भी दिखाया गया है। और अगर ये एबिलिटी किसी एनिमी पोकेमॉन पर होना तो यार ये सबसे ज़्यादा अनोइंग चीज़ होती है अगर तुम गेम खेल रहे हो। जो कि यार मैं बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होता था जब ये एबिलिटी किसी एनिमी पोकेमॉन पर होती थी। और वैसे भी हमने ये एबिलिटी पिकाचू के पास तो देखी है, जो कि पिकाचू ने काफ़ी सारे पोकेमॉन को पैरालाइज कर दिया था जो कि उसके पास आए थे। तो यार हाँ, इसीलिए मैंने रखी है अपनी इस एबिलिटी को नंबर 5 पर। और इस एबिलिटी का शिकार तो एस के काफ़ी सारे फ्रेंड्स और एस खुद भी हो चुका है। तो हाँ यार, अब हम चलते हैं नंबर 4 की तरफ। तो वो फ्रेंड्स नंबर 4 पर आती है हमारे स्नोरलैक्स की थिक फैट एबिलिटी। और इस एबिलिटी के नाम में ही आपको पता चल गया होगा कि ये एबिलिटी डिफेंस टाइप होने वाली है। तो इस एबिलिटी में ऐसा होता है कि जो हमारा पोकेमॉन है उसे फायर और आइस टाइप मूव्स काफ़ी कम डैमेज करेंगे। तो इस तरीके से एबिलिटी काफ़ी अच्छी भी है। लेकिन यार आप यही सोच रहे होंगे कि जो हमारे स्नोलैक्स की इम्यूनिटी एबिलिटी थी मैंने उसे नंबर 4 पर क्यों नहीं रखा, क्योंकि वो तो हमारी इस थिक फैट से ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि यार हमें थिक फैट काफ़ी बार एनिमे में दिखाई गई थी, जो कि यार हमें जो इम्यूनिटी एबिलिटी थी ना वो नहीं दिखाई गई। तो यार अगर मैं तुम्हें एक बार बताऊँ तो तुम्हें शायद वो टूर्नामेंट याद होगा फ्लैगिएटर और हमारे इस स्नोरलैक्स का, जो कि थिकफैट की वजह से ही जो हमारा स्नोरलैक्स है उसने जो सर्कल था उससे बाहर कर दिया था फ्लैगिएटर को और जीत गया था। और काफ़ी बार जो बैटल हो रही थी, जैसे कि ड्रैगनेयर से बैटल हुई थी तो आइस टाइप मूव्स काफ़ी कम डैमेज करे थे। तो इस तरीके से यार काफ़ी बार इस एबिलिटी को हमने देखा है। तो यार इसी वजह से मैंने रखा है जो हमारी थिकफैट एबिलिटी है इसे नंबर 4 पर। तो अब हम चलते हैं नंबर 3 की तरफ। तो फ्रेंड्स नंबर 3 पर आती है हमारे सेप्टाइल की ओवरग्रो एबिलिटी। ये हम कहें हमारे ग्रो वाइल्ड की ओवरग्रो एबिलिटी, क्योंकि जो हमारा सेप्टाइल है उसके सेकंड स्टेज में ही जो ओवरग्रो एबिलिटी है वो सीखा था, जो कि वो बैटल चल रही थी एसिस नॉर्मन की। जो कि तुम्हें पता ही होगा कि नॉर्मन कौन है, ये मेका डैड भी साथ में एक नॉर्मल टाइप जिम लीडर ऑफ फॉरेन रीजन, साथ में इसके बैटल हो रही थी जो हमारा स्लैकिंग है उसके साथ। और उसी में हमारा जो ग्रो वाइल्ड है वो इस एबिलिटी को सीखा था या पहली बार यूज़ करा था। क्योंकि यार इस एबिलिटी में होता यह है कि अगर हमारे पोकेमॉन की एचपी 1/3 है तो उस ऐसे में जो हमारा पोकेमॉन है ना उसके ग्रास टाइप मूव्स 50% ज़्यादा डैमेज करेंगे। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा अच्छी एबिलिटी है। और इस एबिलिटी को आपने शायद चेस्पिन के पास तो देखा ही होगा। और अगर मैं आपसे कहूँ कि इस एबिलिटी को हमारा बल्बसोर भी सीख जाता है, और बल्बसोर के साथ चिकुरीटा भी, और उसी के साथ हमारा टटविंग भी, और फिर जो हमारा स्नाइवी है वो भी इस एबिलिटी को सीख जाता है, और हमारा राउलेट भी, जो कि यार ये सभी स्टार्टर्स पोकेमॉन जो है हमारे ग्रास टाइप के वो इस एबिलिटी को सीख जाते हैं। जो कि यार मुझे काफ़ी अच्छी एबिलिटी लगी और हमने इस एबिलिटी को एनिमे में भी काफ़ी बार देखी है। तो इसी वजह से मैंने रखा है इसे नंबर 3 पर। तो अब हम चलते हैं नंबर 2 की तरफ। तो फ्रेंड्स नंबर 2 पर आती है हमारे इन्फर्नेप की ब्लेजिबिलिटी। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ब्लेजिबिलिटी भी बिल्कुल सेम है जो एबिलिटी हमारी ओवरग्रो, लेकिन उस एबिलिटी में जो ओवरग्रो है उसमें ग्रास टाइप मूव्स 50% ज़्यादा डैमेज करते हैं, लेकिन हमारी इस ब्लेजिबिलिटी में फायर टाइप मूव्स। जो कि यार अगर आपसे मैं कहूँ कि हमारी जो इन्फर्नेप की ब्लेजिबिलिटी थी ये काफ़ी ज़्यादा अलग थी जो कि बाकी की ब्लेजिबिलिटी होती है। क्योंकि यार ये तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा इन्फर्नेप था वो काफ़ी बुरी तरीके से गुस्सा हो जाता था, साथ में वो कंट्रोल से भी बाहर हो जाता था। तो इसलिए ये एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ता था इस एबिलिटी से इन्फर्नेप को। और बाकी पोकेमॉनों के साथ ऐसा नहीं होता, जैसे कि तुमने देखा ही होगा जो हमारा ग्रो वाइल्ड था उसे भी कुछ नहीं हुआ, और न ही जो चेस्पिन था उसे भी कुछ भी नहीं हुआ था उसकी ओवरग्रो एबिलिटी से, लेकिन हमारे इन्फर्नेप को भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा। इसका मतलब कि जो हमारा हमारे इन्फर्नेप के पास जो ये एबिलिटी थी ब्लेज, ये कोई और एबिलिटी भी हो सकती है, या फिर ये मतलब इस एबिलिटी का कुछ अलग फ़र्क पड़ता हो हमारे इस इन्फर्नेप पर। जो कि यार ये ब्लेज एबिलिटी से तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एबिलिटी थी। और अगर आपको ये तो पता ही होगा कि जो ब्लेज एबिलिटी है इसे भी मतलब सभी फायर टाइप स्टार्टर्स पोकेमॉन सीख जाते हैं, जैसे कि हमारा चार्जर, टाइफ्यूजन, ब्लेजिकन और बाकी के सभी और पोकेमॉन्स भी। तो यार जो कि फायर टाइप के हैं हमारे स्टार्टर्स पोकेमॉन वो। तो यार अब हम चलते हैं नंबर 1 की तरफ।
तो आपने इस वीडियो का टॉपिक देखते ही यही समझ लिया होगा कि नंबर वन पर आने वाली होगी ब्लेज एबिलिटी, जो कि हमारे इन्फरनेप के पास है। हम मैं मानता हूँ कि इन्फरनेप के पास काफ़ी अच्छी एबिलिटी है जो कि ब्लेज, और वो ब्लेज एबिलिटी से काफ़ी अलग भी है। लेकिन यार नंबर टू उसका स्पोर्ट काफ़ी सही है, जो कि यार नंबर वन पर एक ऐसी एबिलिटी है जिसके बारे में हमें पता भी है लेकिन हम फिर भी अनजान हैं, जो कि यार वो एबिलिटी है बैटल बॉन्ड। और ये एबिलिटी है हमारे एस ग्रीन निंजा की, जो कि यार बैटल बॉन्ड और बॉन्ड के नाम से आप शायद समझ गए हो। तो ये एबिलिटी हमारे एस ग्रीन निंजा के पास है, ना कि ग्रीन निंजा के पास। तो ये एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है और ये मैग एवोल्यूशन की तरह आप समझ सकते हो इस एबिलिटी में, लेकिन मैग एवोल्यूशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है। और इसी की वजह से जो हमारा एस ग्रीन निंजा है उसके बेस स्टैट्स में 110 का मतलब आता है, क्योंकि मैग एवोल्यूशन में का। तो इसी वजह से यार ये एबिलिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये एक पोकेमॉन के बेस स्टैट्स 110 और बढ़ा देती है। तो समझो कि ये कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई, मतलब कि यार ये तो एक तरीके से बॉन्ड इवॉल्व ही कर रही है ना पोकेमॉन को। तो इसी वजह से यार ये एबिलिटी है नंबर वन पर। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे स्ट्रॉन्ग एबिलिटी कौन सी है एस के पोकेमॉनों में, तो आप बिना सोचे समझे ये बता सकते हो कि बैटल बॉन्ड, जो कि एस के ग्रीन निंजा की एबिलिटी है। तो यार हाँ, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो होती है यहीं पर ख़त्म। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो अब हम चलते हैं, वैसे यार वीडियो खत्म हो चुकी है, तो मैं भी चलता हूँ और आप भी चलो अपना काम करो। तो बाय बाय।